भाई आप देख सकते हो खुद, अब हम आ चुके हैं रैंकिंग में, यानी कि हमारी रैंकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 9704 रैंकिंग पे हूँ, मुझे टॉप 500 में आना है कॉनकरर के लिए, और इंशाल्लाह अब तो हम कॉनकरर लगाएंगे ही लगाएंगे भाई साहब। यहाँ पे बंदे फुटप्रिंट आ रहे, फुटप्रिंट आ रहे। Watch out! एक बंदा था डीपी पड़ी है, डीपी चाहिए तो डीपी ले लो। लास्ट के जोन की फाइट बहुत ज़्यादा औसम पर जो आईजीएल की तरह वर्क करते हैं ये जोहेब भाई और जैद भाई, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। आइए अब देखते हैं आगे। मुझे जैद भाई की भाषा बहुत बढ़िया लगी, माने ना देने का, डुबान पानी हो या कसम से डूब गया था। कहाँ हो तुम? अरे वो पुश कर रहे हैं, वो पुश कर रहे, पुश कर रहे थे। पुश कर दिया उन्होंने। दूसरी स्क्वाड ने पुश, दूसरी स्क्वाड ने पुश कराई वाली स्क्वाड ने। आप लोगों ने साउंड सुना होगा, मुझे पहले ही पता था कि ऊपर जो है वो नेड़ आ चुका है, इसलिए मैं ऊपर गया नहीं भाई। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा खेलना पड़ता है, एक हल्की सी गलती तुमसे चिकन डिनर छिनवा देगी, और तुम्हारे जो पॉइंट मिलने थे तुम्हें आधा घंटा मेहनत के 15 से 20, वो सीधे के सीधे 5 और 6 में बदल जाएंगे। तो भाई हर हाल में चिकन चाहिए ही होता है, और यहाँ पर हुआ मैं नॉक। बिना पैनिक होते हुए मेरी टीम आई और मुझे रिवाइव दे दिया। जब वो रिवाइव करा रहे थे तब भी यहाँ पर नेड़ आया, पर किस्मत अच्छी थी हम बच गए। और भाई देखो चिकन तो चाहिए था। अब बहुत बार ऐसा होता है यहाँ पे किल बहुत छीनते हैं भाई, इतने ज़्यादा बंदे होते हैं, तुम नॉक करोगे कोई और किल ले जाएगा तुम्हारे। देखते रहना आगे तुम कैसे कैसे गेम आता है। देखो यहाँ जैद ने एक को डीपी से नॉक दिया, फिर मैंने देखा कि हो सकता है कि मुझे भी नॉक मिले, क्योंकि वहाँ पैनिक हो चुके हैं बंदे नॉक होने के बाद, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, एकदम से मुझे नॉक मिला। और अब आगे देखो यार, सपोर्ट के नाम पर ये बीले कुमार भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है बंदा, जब भी मेरे साथ खेलता है बहुत ज्यादा सपोर्ट में रहता है। एक बंदे के फुटप्रिंट आ रहे हैं, ये जो है यहां पे आए थे जो मैं भागेगा यहां से। एक बंदा सामने रिवाइव देने गया उसको। ओके अब यार फॉलो मी। अब यहाँ पर क्या हुआ भाई कि बिलै को मेयर नॉक हुआ, मैंने सोचा पोजीशन होल्ड करने के लिए मैं किसी को नॉक दूं, पर उसके चक्कर में मैं नॉक हो गया। अब यहाँ पैनिक ना होते हुए जो है भाई, यानी कि रेड मिस्टर UK04 भाई साहब बहुत ज़्यादा अच्छे बंदे हैं, आराम से रिवाइव किया, बिल्कुल पैनिक नहीं होते, बहुत ईजिली खेलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब कि बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं है हड़बड़, बिल्कुल कूल माइंडेड है, बिल्कुल बहुत अच्छा खेलते हैं, आराम से रिवाइव दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं पुश मारता हूँ, पहले ये पुश मारते हैं, ये बनाते हैं पोजिशन को मतलब हमारे अकॉर्डिंग, फिर हम जाकर उन पर रश करते हैं, तब बंदों का किल होता है। एक जगह पे अगर आप हमेशा ध्यान रखोगे ना, एस लोबी में या कौन कर लोबी में, कि एक ही तरफ सारे बंदे ध्यान दे रहे हैं भाई, तुम 110% मरोगे। 4 के 4 बंदे अलग अलग जगह पे देखते हैं तब तुम बच सकते हो, वरना यहाँ ये नूब लोबी नहीं है, कुत्ता बना देंगे तुम्हारा। यहाँ मैंने दिया एक को नॉक, मैंने कहा पुश मारते हैं, पर जो है भाई ने कहा कहीं नहीं जाना क्योंकि हम सेंटर में हैं, कहीं नहीं जाने का, कहीं भी नहीं जाने का, क्योंकि हमारी एक गलती से यहाँ चिकन डिनर छीन सकता है भाई, जिसका मतलब होगा कि 5 से 10 पॉइंट गए। रेंज मेरे साथ आ, मैं इधर साइड हूँ, मुझे कवर दियो कवर। शोएब भाई ने कहा कवर देना, पर यहाँ पर उन्होंने गाड़ी, यार देखो यहाँ ना बहुत ज़्यादा तुम्हें हैकर मिलेंगे या फिर कॉन्फिग वाले जो नो ग्रास लगा के रखता है या फिर मैजिक बुलेट होगी उनके पास, मतलब यार तुम्हें ऐसे ऐसे गेम प्ले दिखा दूंगा अपने कि यार वो बंदा पता नहीं कहाँ से फोड़ रहा है। तो ऐसे बहुत मिलते हैं शोएब भाई नॉक हुए, पर जैद जो है भाई वो बहुत ज़्यादा औसम बंदा है, ये ना स्पेशलिस्ट है क्लोज कॉम्बैट का, ये कह लो आप। उसने उसे नॉक किया और मैं पीछे से आ गया एकदम से, क्योंकि मुझे पता था अब वो पैनिक हो चुके हैं, अब हम ये फाइट जीत सकते हैं। ओके भाई जैद ने दोनों किल छीन लिए मेरे, यार जैद अच्छी बात नहीं है ये, अरे किल ना देने का भाई, ये किल नहीं देने का, ये बंदों के बहुत हरामी है। इस लोबी में जोन प्रिडिक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है भाई, अगर तुम जोन प्रिडिक्शन करना जानते हो ना
तो तुम ये मैच 100% जीतोगे। बंदा ये कहीं है, बंदे पीछे से ही आएंगे। बोरा बंदा, बोरा 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 बोरा। कहाँ कहाँ बता बता। मार। भाई जायद ये भी किल ले गया, भाई ये भी ले गया जायद, अच्छी बात नहीं है बाबू। मैंने बॉडी शॉट दिया था उसको, हम तो फोड़ था। अरे चुप जा चुप जा, कसम से दिया था, रिकॉर्डिंग करूंगा तेरे लिए, अब दिखाने के लिए दिया था नहीं दिया था। ना ना चुप जा, बुलवाऊं तो सही था। ओके यार देख ही लिया था, डीपी का लिटकेज के स्प्रे ले लिया मैं। जायद बाबू इतने किल छीनने तो एक तो मैं भी लूंगा। देखो यार अपनी अपनी ना गनों की खास है, मेरा ना ये ना एक तरह से क्या कह लो कोम्बो है भाई, डीपी M4। मैं बहुत ज़्यादा अच्छी चलाता हूँ इसलिए मैं कभी स्नाइपर नहीं चलाता। यहाँ पर एक बंदा था, मैंने कहा लाओ मैं नेड मारता हूँ, तू मत जा जायद, जायद उसे भी पहले के आ गया यार। और यहाँ पर मैंने दो नेड मारे, मेरा टीममेट ही फट गया, बंदा तो नहीं फटा। खैर मैंने सर रिवाइव दे दिया विले को मेरे को। जब मैं ऊपर गया ना तो मैं आधड़ी में तो मैं नेट से उठ गया, स्नेक भी डैमेज दे दिया। अरे यहां कहीं तो साउंड तो आया था यार, पिस्टल से मार। हां ये ऊपर ही जा रहा था क्या, मैंने और कोरा ठीक हो पर इसकी तो लंका ठा दी मैंने, बस लास्ट बंदा बचा सांप बना फिर रहा। चल चलो कोई नहीं। अरे भाई साहब बंदा यहाँ भी है, बंदा यहाँ भी। अबे ओ भाई कैसे फिनिश कराई मुझे, भाई लास्ट जोन चलने वाला है, 36 बंदे अलाइव है, इतनी हार्ड लोबी देना, मामू नॉक हो चुके, जैद को किसी ने फिनिश मारते है ये भी नहीं पता कहाँ से मारा। भाई मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ बहुत गंदी कॉन्फिग वाले आते हैं, नो रिकॉइल, नो ग्रास, एम, मैजिक बुलेट, ये सब मिलते हैं। अब मुझे पता था कि जो जो है भाई लड़ रहे हैं भाई उस बंदे से, हो सकता है वो नॉक हो जाए, वैसे तो मैं भरोसा रखता हूँ, पर फिर भी मैं कवर के लिए गया और भाई ऐसा ही हुआ क्योंकि गोली इतनी ज़्यादा बज रही थी तो भाई वो नॉक हुए, पर मैं पीछे से आया, मैंने उसे पूरा का पूरा फिनिश मारा। मैंने इन्हें कहा कि आप ना थोड़े से साइड हो जाना, आप तो बच जाओगे, मैं पहले मामू को बचाता हूँ क्योंकि मामू की जो हेल्थ है वो कम है, यहाँ से सामने से गोली पड़ सकती थी खिड़की से, इसलिए मैं थोड़ा कवर में आ गया और मैंने मामू को दिया रिवाइव और उस अब आगे एक स्मोक कर दो भाई यहाँ पे, एक इधर एक इधर। मार्क द लोकेशन, अरे दो स्क्वाड है भाई, ये आ जाओ अंदर आ जाओ अंदर आ जाओ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो है भाई बहुत ज़्यादा आराम से खेलते हैं भाई, पैनिक नहीं होते, मिस्टर कूल हैं बिल्कुल। और मैंने एकदम कहा, मैंने कहा आप कार उठा के भागना और यहाँ से चलो जोन से, वरना हम जोन में ही मर जाएंगे भाई, जोन बहुत गंदा काटता है इस लॉबी का, बहुत गंदा काटता है। और पीछे से एक बंदा जो शुरू में डीपी चला रहा था ना, गोली चला रहा था, सॉरी बग्गी से, वही बंदा यहाँ पे अभी भी है भाई, इसने मुझे इतना गंदा डैमेज दिया ना, अब मुझे खुंदक आ गई, पहले ही से ही मार के जाऊँगा चाहे जोन में मरूँ या ना मरूँ, मतलब हद हो गई भाई, हमने तुझे छोड़ दिया, तू हमारी लंका लेने में लगाओ, तेरा कुत्ता बना दूंगा मैं। आ गया आ गया, राइट में भी कोई, राइट में निकल लो भाई यहाँ से, अभी ये रहा ये रहा ये रहा, जल्दी आओ किधर है बताओ भाई, इसका टाइम खराब था सुनो ना, देख रहा मम्मू कहने का टाइम खराब है, तो देख रहे हैं बंदे से हैं तो भाई, अब लास्ट किलो भी बची, 15 बंदे थे और एकदम से एक बग्गिया ही, मम्मू ने कहा बग्गिया ही से उतारो, इसे उतारो और अब आगे अरे जहाँ मैं हूँ आ जाओ, जहाँ मैं हूँ जल्दी आ जाओ, यहाँ पे घर पे बंदा है, जहाँ मैं हूँ आ जाओ भाई। जो है भाई पहले ही जोन में थे, उन्होंने देखा कि वहाँ पे बंदे हैं नहीं, उनके पास बंदे आ चुके थे, अब मैं आ जाऊँगा क्योंकि अगर हम सारे एक साथ गए तो भाई मरने के चांस होते हैं, इसलिए पहले एक जाता है, वो देख कहता है कि है या नहीं, क्योंकि हम अपने पर भरोसा रखते हैं कि हम क्लच निकाल देंगे, समझ रहे हो ना आप। अब आगे
अब यहाँ पर क्या हुआ मुझे नहीं पता लगा मेरा इस कारण से 4x कैसे आ गया, और इस 4x की वजह से मैं नॉक हो गया। पर जो है भाई वो मिस्टर कूल, उन्होंने उसे फिनिश मार दिया और अब मैं हो गया रिवाइव। और मुझे मिली फेवरेट गन रिवाइव होने के बाद M4, और कॉम्बिनेशन था धांसू M4 और DP, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। मेरी बग्गी का जो था, बग्गी जिसे मैंने नॉक किया था, वो भी मेरे पे किल आ चुका था। वो लोग यहाँ पे स्मोक डालो, तुम दिख जाएगा सामने से, स्मोक डालो अपने पास। यहाँ पर जैद ने मुझे कहा कि वो लोग भाई तुम दिख सकते हो इसलिए स्मोक डालो। भाई यार देखो, सुननी चाहिए अगर तुमसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। और मैंने स्मोक किया और बिल्कुल यही हुआ, सामने से मामू हो गए नॉक और अब आ गया। यार भाई अगर यहीं पे नॉक करा के जाओ, एक ही बंदा है भाई। बड़े सामने सामने नंबर दिख रहा है भाई। मुझे नो स्कोप मारने की आदत है, मैं बहुत अच्छा मारता हूँ नो स्कोप। मैं घास में हमेशा बंदे नो स्कोप ही मारता हूँ, कभी स्कोप से नहीं मारता। अब देखो सिचुएशन थी, दो दिन नॉक थे भाई। मैं अगर सबर करता तो चिकन चिंता, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होकर खेला, अच्छी तरह उन पर घुस गया। जोएब भाई भी पीछे से, तो मुझे पता था कवर मिल जाएगा। और बिना कुछ देरी करे एम बैठा, चलो बाबू खेलो बच्चो, कीड़ी मर गई। अगर आपको गेम प्ले अच्छा लगा हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना शेयर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।